एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। सबसे पहले जिस लय से हम कविता का गायन करेंगे, आपको भी अपने घर में इस कविता का गायन करके याद करना है लयबद्ध। और यदि हम लयबद्ध किसी कविता को पढ़ते हैं तो उसका भाव समझ में आता है। जैसे किसी गाने को आप एक बार सुन लेते हैं, म्यूजिक को सुन लेते हैं, तो उस पर आधारित उस गाने को अपने लय में जल्दी ढाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक कविता है या पद्य है, इसको यदि आप इसका गायन करेंगे सुंदर लय में, तो इसके भावार्थ आपको जल्द ही समझ में आ जाएंगे। तिनका का अर्थ होता है घास का एक टुकड़ा, या घास जैसे ही किसी पौधे का टुकड़ा जिसको हम छोटा समझ करके अपने पैरों तले कुचल देते हैं, उसी के बारे में इस पाठ में इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कविता के माध्यम से लिखा है। अब चलिए कविता का पहले हम गायन करें, इसके बाद इसके हम भावार्थ आप सुनोगे। मैं घमंडों में बराया था हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागने लगी। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी लिखते हैं, सबसे पहले मैं इस पाठ का संदर्भ बता दूं, चूंकि परीक्षाओं में प्रतियोगिताओं में पाठ से संबंधित यदि कोई कविता दी जाती है तो उसका संदर्भ पूछा जाता है, इसके बाद ही भावार्थ लिखे जाते हैं। भावार्थ माने अपना भाव, जितना हम समझ पाए उसको सरल शब्दों में व्यक्त करते हैं उसे हम भावार्थ कहते हैं। तो देखिए कुछ पंक्ति है, उसको मैं पढ़ूंगा और उसका मैं पहले संदर्भ बताऊंगा। मैं घमंडों में भराए था हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। प्रस्तुत काव्यांश आराध्य के शीर्षक तिनका नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। ये हो गया संदर्भ। अब इसका भावार्थ कैसे होगा? मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन
जब था मुंडेरे पर खड़ा मैं अपनी छत पर। कविता का भावार्थ बताते हुए कवि हरिओत जी लिखते हैं, एक दिन मैं अपने छत पर, छत के मुंडेर पर थोड़ा घमंड में खड़ा था। उसी समय अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। उसी समय तिनके का एक टुकड़ा आकर के मेरी आंख में पड़ जाता। आप जानते हो कि आंख में यदि धूल कचरा या कोई तिनका आकर पड़ जाता है तो क्या व्यथा होती है, आप समझ सकते हैं। कभी इस दौर से आप सभी गुजरे भी हो। अब आंख में पड़ता है तब क्या होता है, आगे कभी लिखते हैं, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। जब मेरी आंखों में वह तिनका पड़ गया तो मैं झिझक उठा, मैं बेचैन हो गया, मैं परेशान हो गया और मेरी आंखें लाल लाल हो गई और दुखने लगी, अर्थात दर्द करने लगा। आगे लिखते हैं, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। जब मेरी आंखें लाल लाल हो गई, दर्द से मैं कराह रहा था, तो वहां पर उपस्थित लोगों ने कपड़े की एक पोटली बनाकर और मुठ कपड़े की मुठ बनाकर उसमें गर्म भाप देना शुरू कर दिए तो ऐंठ बेचारी दबे पांव भागने लगी। जब जब मुझे कपड़े का मुठ दिया गया, आंख की सेकाई हुई, तब तिनका का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसा व्यक्त करते हैं हमारे हरिओत जी। वैसे इस पाठ में तीन पैराग्राफ दिए गए तो तीनों का अलग अलग भावार्थ होगा, परंतु तीनों का संदर्भ एक ही होगा। अंतिम पैराग्राफ का भावार्थ मैं आप सबों के बीच रखता हूं, संदर्भ वही रहेगा जो हमने बताया। अंतिम पैराग्राफ है जिसका भावार्थ मैं अभी बताऊंगा, जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझ में यो मुझे ताने दिए, ऐठ तातू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। उस आदमी के बारे में जो घमंड से खड़ा था अपने छत के मुंडेर पर, उसी के बारे में कवि हरिओत जी कहते हैं कि जब किसी ढब से निकल गया तिनका आ गया, यानी मूठ देने पर जब आंख का तिनका निकल जाता है तब समझ में यो मुझे ताने दिए, तब मुझे समझ में आया कि मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, मुझे किसी चीज को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी आगे लिखते हैं अपनी पंक्तियों में, ऐठ था तू किस लिए इतना रहा, तू किस लिए इतना घमंड कर रहा था, ये तेरे घमंड को तोड़ने के लिए ये छोटा सा तिनका काफी है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी चीज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने आप में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो हमेशा दुख ही दुख पाता है, कष्ट ही कष्ट उसे झेलना पड़ता है। इसलिए आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप भी
कवि हरियोध के दिए गए सीख को अपने जीवन में अपनाएं।